नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा, और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील की न्यूज क्लिक को न सिर्फ लाइक करें बल्कि सब्सक्राइब भी करें, और मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए व्हाट्सएप के जरिए या फिर SMS के जरिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हां, और किस बात की? बिहार चुनावों की। और इस वक्त आपसे जो भी कहे ना कि फलाना मोर्चा जीत रहा है या वो मोर्चा जीत रहा है, उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि जब दूसरे चरण के मतदान से पहले जो अभियान है वो खत्म हो चुका है, तो उससे पहले मुकाबला बहुत कांटेदार है। और खासकर हमें ये बात सोचना होगा कि आज से करीब 1 महीने या 2 महीने पहले हम सब ने तेजस्वी यादव को सिरे से खारिज कर दिया था। आज वो तेजस्वी यादव, एक अकेला तेजस्वी यादव, पूरे NDA को चुनौती दे रहा है। और NDA में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, उनके तमाम मंत्री, पूरा लाओ लश्कर, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स, और ये शख्स एक हेलीकॉप्टर के साथ हर जगह जा रहा है और अपनी दस्तक दे रहा है, अपनी राजनीतिक दस्तक जोरदार अंदाज में दे रहा है। तेजस्वी कल को हार भी जाएं, तो मेरे ख्याल से हम सबको इस बात को लेकर उनकी तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी 2 चरण के मतदान बाकी हैं, यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 4 रैलियों को संबोधित किया रविवार को, और उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि वो पुलवामा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक बिहार के चुनावों तक आप पुलवामा को नहीं भूले हैं। देखिए, पुलवामा को कोई नहीं भूलना चाहता क्योंकि हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं भूली है क्योंकि वो चाहती है कि पुलवामा घटनाक्रम से, हर निचोड़ से, एक एक बूंद से हम सियासत कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलवामा के मुद्दे पर गंदी सियासत कर रहे हैं। पहले वो कह क्या रहे हैं आप सुनिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे, ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के दौरान एक नहीं बल्कि 2 पोलिंग ऑफिसर्स ने लातूर और वर्धा में आपके खिलाफ शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आप बालाकोट और पुलवामा का इस्तेमाल करके उसमें सियासत कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था उस वक्त कि आप पुलवामा का और बालाकोट पर सियासत नहीं करेंगे। मगर प्रधानमंत्री, किसी और ने नहीं, आपने चुनाव आयोग की अनदेखी की, किसी और ने नहीं बल्कि आपने, जो कि देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जबकि आपको एक मिसाल होनी चाहिए थी। और आज आप बिहार में खड़े होकर फिर से पुलवामा पर सियासत कर रहे हैं और विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाऊं प्रधानमंत्री, आपने क्या कहा था लोकसभा चुनाव में, किस तरह से बेधड़क पुलवामा और बालाकोट पर आपने वोट मांगा था, सुनिए। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या?
मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मुझे बहुत हैरत हो रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। मैं यहां पर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर विपक्ष या मेरे जैसे पत्रकार पुलवामा पे सवाल पूछते हैं ना, तो उन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। उस पर आप जो है ना बहस को मोड़ नहीं सकते हैं। मसलन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि पुलवामा पर हमले से पहले, 14 फरवरी से पहले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी। देश के सेना प्रमुख से पत्रकारों ने संसद में सवाल पूछा था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकवादी हमले की खबर आ रही है, आप क्या करेंगे? तो आप तो सेना प्रमुख ने कहा था हम सब तैयार हैं, कुछ नहीं होगा। बाकायदा जम्मू कश्मीर के अंदर सीआईडी ने रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि साहब एक आतंकवादी हमला हो सकता है, मगर बावजूद उसके वो हमला हुआ। तो कृपया विपक्ष पर या पत्रकारों पर हमला मत भूलिए, क्योंकि अब भी उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढा गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और इसी मंच पे मैंने वो कार्यक्रम किया था, पुलवामा के बावजूद हमारे सैनिकों की सुरक्षा पर अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक छोटा सा वीडियो देखिए मेरे उस कार्यक्रम से कि किस तरह से ये सैनिक जो हैं वो जा रहे हैं और उन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। बख्तरबंद गाड़ियों में नहीं जा रहे हैं, कोई पत्थर मारेगा तो पत्थर घुस सकता है अंदर, जबकि उनके कमांडेंट ऑफिसर्स जो हैं वो बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जा रहे हैं। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, क्योंकि इसी मुद्दे को वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी उठाया था, वो वीडियो देखिए। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा इस पार हो जाएगा। प्रधानमंत्री आज आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि पुलवामा के मुद्दे पर सियासत कौन कर रहा है, क्योंकि हमारे सैनिकों की तो हालत वैसी की वैसी है। चीन में हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं और आज तक आपने चीन का नाम नहीं लिया। अलबत्ता आपने जो हमारे 20 जवान मारे गए थे उस मुद्दे को लेकर आपने उसका जिक्र आपने बिहार चुनावों में कर दिया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले। लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री कि आपसे ज्यादा शार्प तेज राजनीतिक दिमाग किसी का नहीं है। आप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चालाकी से इन मुद्दों को लेकर आते हैं, क्योंकि ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाते हैं। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आम वोटर को और आम जनता को आप मूर्ख मत समझिए। हालांकि मैं आपसे क्या गुजारिश करूंगा, जब आम जनता खुद ही मूर्ख बनने को तैयार है तो आप और हम क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पुलवामा पर सियासत मत करो, मगर सबसे ज्यादा पुलवामा पर किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है प्रधानमंत्री से और तमाम जो नेता हैं उनसे कि प्लीज इस मुद्दे पर सियासत ना करें। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जब भी अपने रैली शुरू करने वाले होते हैं, तेजस्वी हर बार वहां के घटनाक्रम को लेकर 10 सवाल या 11 सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब पहले चरण में इसके मतदान से पहले उन्होंने रैलीज की थी तो उस दौरान प्रधानमंत्री से 11 सवाल पूछे थे तेजस्वी ने। एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने सवालों का पुलिंदा रखा है। तेजस्वी द्वारा पूछे गए कुछ सवालों की झलक। नल जल योजना पर शोर मचाने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार
कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति और सैनिटेशन पर खर्च क्यों करती है, और उस 4% का भी 70% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है? प्रधानमंत्री जी बताएं कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार में कुपोषण और भुखमरी पर कुल बजट का 2% से भी कम क्यों खर्च होता है? 15 वर्ष से एनडीए सरकार रहने के बावजूद भी बिहार में कुपोषण और भुखमरी क्यों है? प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार के युवाओं को पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरना पड़ता है? यानी कि तेजस्वी यादव की तैयारी पूरी दिखाई देती है। देखिए, तेजस्वी जैसे मैंने कहा हारे या जीते, मगर सियासत सकारात्मक कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र सिर्फ 31 साल है, उसने काफी मैच्योरिटी का परिचय दिया है, काफी परिपक्वता का परिचय दिया है। क्योंकि मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने उनके माँ बाप तक पर हमला बोल दिया था, लालू जी के जो 9 बच्चे हैं उन पर हमला बोल दिया था। तो साहब, एक एक चीज के लिए किसी को चिंता है? आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? देखिए, हम सबका मानना है कि हमारे राजनेताओं को परिवार नियोजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि सरकार अमूमन उसकी शिक्षा देती है। मगर आप जब किसी के 9 बच्चे हैं तो उसको आप जलील तो नहीं ना कीजिएगा, बताइए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वो बयान देकर राबड़ी देवी पर हमला बोला था, एक महिला पर हमला बोला था। और अब कल प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि मुझ पर हमला मत बोलिए, बिहार की जनता पर मत हमला बोलिए। यह प्रधानमंत्री का एक और ब्रह्मास्त्र है। पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। अभी इतने बौखला गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि अब उन्होंने मोदी को भी गाली से मोदी को भी गाली लगने लगी है। ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझ पर हमला मत बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री का यह पुराना ब्रह्मास्त्र है। जब भी प्रधानमंत्री को अपनी जनता, अपने वोटर्स से सहानुभूति हासिल करनी होती है, वो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं कि मुझ पर हमला मत बोलिए। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपने तो तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बता दिया था। जो उत्तर प्रदेश में डबल डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। और नीतीश कुमार ने, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, राबड़ी देवी पर हमला बोल दिया था 9 बच्चों के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये निजी हमले कर कौन रहा है? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बावजूद तेजस्वी चाहते तो पलटवार कर सकते थे उसी भाषा में, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखता हूं। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन की है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भी 6 भाई बहन थे, यानी कि मोदी जी के भी 6 भाई बहन थे, और इसके जरिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की तौहीन की है। मोदी जी को बहाना बनाया निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं, और नीतीश कुमार जी को तो हमने पहले कहा है कि हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहेंगे, गाली भी देंगे, तो हमारे लिए आशीर्वचन के बराबर है, आशीर्वाद के बराबर है। और इस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं तो साफ झलकाता है कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो थक चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे पुलवामा हो, चाहे ये कहना कि मुझ पर हमला ना करो, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के ब्रह्मास्त्र है, मगर ये भी बताता है कि संवाद को लेकर राजनीतिक सोच को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में किस कदर का दिवालियापन है, बिहार में, या ये कहा जाए एनडीए में किस कदर का दिवालियापन है। नीतीश बौखला रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हैं वो जिक्र कर रहे हैं तमाम चीजों का, पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
मगर एक चीज जिसका जिक्र उन्होंने किया और करना चाहिए था वो था, उन्होंने याद दिलाई लालू प्रसाद यादव के 15 साल के जंगल राज की। पहले उन्होंने कहा क्या वो सुनिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। हार के पास सामर्थ्य तब भी भरपूर था, सरकारों के पास पैसा तब भी पर्याप्त था, फर्क सिर्फ इतना था कि तब बिहार में जंगल राज था। देखिए प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही ना बहुत ही वाजिब है। आज की तारीख में कई लोग जो घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन को 140 से 150 सीटें आ जाएंगी, मेरा उनसे पलटकर सवाल है। देखिए तेजस्वी यादव यकीनन अगर जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा राजनीतिक चमत्कार कोई नहीं होगा। मगर अगर ऐसा हो जाता है तो तेजस्वी यादव के पीछे उन 15 सालों की विरासत भी है। मैं मानता हूं कुछ लोग उसे जंगल राज नहीं मानते, मगर यकीन मानिए बिहारी अस्मिता पर बहुत जबरदस्त दरार पहुंची थी उस दौरान, ठेस पहुंची थी उस दौरान। और तेजस्वी यादव को उससे आगे बढ़ के काम करना होगा अगर वो जीत जाते हैं तो। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने पिता और अपनी मां दोनों की ही तस्वीर पोस्टर में इस्तेमाल नहीं किए। देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया तेजस्वी ने, क्योंकि आप जानते हैं कि अब भी मासेस में मुस्लिम और यादव वोटर्स में लालू का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। और बावजूद इसके अगर लालू जी की इस तस्वीर कहीं तेजस्वी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने इतिहास को भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कम से कम ये जतला रहे हैं। अब वो कर पाते हैं कि नहीं एक अलग बात है, मगर वो करने से पहले भी बहुत जरूरी है कि पहले जीत कर दिखलाएं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल आप और हम सब लोग बिहार की बात कर रहे हैं, मगर 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं, क्योंकि आपको याद होगा महाराजा जी 20-21 विधायक लेके बीजेपी में आ गए थे। और मैं ये बात समझ नहीं पाता हूं कि बीजेपी में आने के बाद क्या लोग अपना मानसिक आपा खो बैठते हैं क्या? आपको याद है किस ड्रामेटिक अंदाज में, नाटकीय अंदाज में बहुत पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चिल्लाया था टाइगर अभी जिंदा है। अब वो जो टाइगर अभी जिंदा है चिल्लाया था, अब वो टाइगर से कुत्ते पर आ गए। सुनिए, हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ राजनेता हैं जिनके लिए मेरे जहन में, खासकर जिस तरह से वो जनता से संवाद करते रहे हैं, उनके लिए मेरे जहन में एक इज्जत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की खासियत रही है, अच्छा दिखते हैं, एक इतिहास है उनका, मगर अब जो है भारतीय जनता पार्टी में आके जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह के संवाद करते हैं, वो हास्यास्पद हो जाता है। अब एक और मिसाल देखिए, मतलब शायद वो कहते हैं ना पुरानी आदतें जाती नहीं है, यहां पर उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांग डाला। सुनिए, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ, विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस। तो एक के बाद एक ऐसी ढेरों मिसालें आ रही हैं जब महाराजा जी अपना आपा खो रहे हैं, बहुत ही फिल्मी अंदाज में बात कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अंदर जो है खबर अच्छी नहीं है, खबर अच्छी नहीं है से मेरा मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम नरेंद्र तोमर आपस में बहुत ज्यादा टकराव है, कश्मकश है, जिसके चलते जो कई बीजेपी के विधायक हैं जो हार गए थे पिछली बार, जिन्हें उम्मीद थी कि अगर फिर से चुनाव होगा तो उन्हें टिकट मिलेगी, वो किसी तरह से सहयोग नहीं दे रहे हैं बीजेपी को। कई ऐसे नेता हैं जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं और इसका खामियाजा जो है भुगत सकती है बीजेपी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 28 सीटों पर चुनाव है, इसके अंदर कमलनाथ को जीतने होंगे, यानी कि कांग्रेस को जीतनी होगी 21 सीटें, तभी दोबारा वो सत्ता में आ पाएंगे। और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें जीतनी है,
यानी कि ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बदस्तूर बने रहेंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना, सियासत में कुछ भी हो सकता है। बिहार के बारे में जैसे मैंने कहा कि किसने उम्मीद की थी कि कुछ दिनों पहले जो है तेजस्वी के पास कोई चांस भी था, मगर पहले चरण के मतदान में जो खबरें आ रही हैं कि अच्छा खासा प्रदर्शन किया है महागठबंधन ने। मगर अब इंतजार है 3 नवंबर का और 7 नवंबर का, जहां दूसरे और तीसरे चरण के मतदान, और 10 नवंबर विच इज द डी डे यानी कि काउंटिंग डे। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।